दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीत लम्हे हमें जब याद आते हैं, दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीत लम्हे हमें जब याद आते हैं, चंद लम्हात के वास्ते ही सही मुस्कुरा के मिली थी मुझे जिंदगी, चंद लम्हात के वास्ते ही सही। दोस्तों आपको गाना सुन के ही समझ में आ गया होगा कि मैं कौन सा गाना गा रहा हूँ। आप मेरी सिंगिंग पे ध्यान ना दें, आज मैं आपको बीते लम्हे के का एक बहुत ही शानदार गाना का ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि आप इसमें लीड और कॉर्ड कैसे समझ सकते हैं। दोस्तों के स्पेशल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ऐसे करके मैं काफी सारे सिंगर्स का स्पेशल आपके लिए लेकर आऊंगा, तो चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। ये मैं बजा रहा था ई माइनर कॉर्ड। ई माइनर कॉर्ड की अगर हम बात करें तो ये कॉर्ड अगर मैंने बजाया है इसका मतलब ये गाना ई माइनर स्केल में है। कैसे ई माइनर स्केल में ये गाना निकला है वो मैं आपको समझाता हूँ। चलिए आप देखते हैं, जैसे हमारा ई यहाँ पे है अपना ई, ठीक है ना, ठीक है, तो क्या है ई माइनर ई पकड़े हैं। अब इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें आपका जब हम इसको बजा के देख रहे हैं तो अब इसके स्केल को बजा के देखते हैं क्या है। स्केल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको गिटार सीखना है विदाउट स्केल गिटार में आप कुछ नहीं सीख सकते हो। तो चलिए स्केल को समझते हैं क्या हो रहा है। सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा धा रे सा, इसमें गा भी कोमल लग रहा है, धा भी कोमल लग रहा है, नी भी कोमल लग रहा है। कैसे, सारे गा कोमल लग गया, सारे गा मा, नहीं तो अगर नेचुरल में जाते तो कैसे आता सारे गा, लेकिन यहाँ क्या सारे गा मा पा धा, अगर ये शुद्ध होता तो पा पा धा, लेकिन यहाँ क्या पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा। तो हमें मिल गया है कॉर्ड क्योंकि स्केल है ई माइनर का। अब कैसे इसमें मैं क्या बजा रहा था, दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, मतलब क्या हुआ ई माइनर के बाद मैं डी मेजर बजा दिया। कैसे बजा देखिए, दर्द में क्यों ये पा है तो सा गा पा से हमारा कॉर्ड बन गया, तो सा रे गा मा पा, ये नोट कौन सा है आप बताइए, सी है यहाँ पे, तो ये क्या है बी, बी क्योंकि ए शार्प और बी, बी हो गया तो बी पे हमारा ए माइनर ई माइनर आ गया है। तो देखिए ठीक है, मुस्कुरा ये कौन सा नोट है, ए ए यहाँ पे अपना कहा है जी, जी है ये ना थर्ड वाला जी शार्प ए, तो जी के लिए जी जब ए पे आया तो हमारा डी मेजर का कॉर्ड आ गया। तो दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, अब उसके बाद बीते लम जी आ गया, तो जी में कौन सा है सी मेजर, क्यों सी ई जी, जी में जी है तो सी मेजर, दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम जैसा मैंने आपको बताया था ए है तो डी मेजर। तो फिर से एक बार देखिए कॉर्ड को समझिए, प्रोग्रेशन को समझिए और इसका रिदम पैटर्न कैसे चल रहा है, डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन 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 अप अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन मेजर, सी मेजर, सी मेजर, सी मेजर।
डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। अब इसके बाद वाला जो वर्स हमारा आएगा, चंद लम्हात के वास्ते ही सही, जी मेजर बी माइनर सी मेजर डी मेजर, जी मेजर बी माइनर सी मेजर डी मेजर। यहाँ पे ये आपको देना पड़ेगा, से बैक कर गया। आज भी जब वो पल, तो फिर से पूरा सुनते हैं, दर्द में ई माइनर ई माइनर डी मेजर डी मेजर सी मेजर डी मेजर जी मेजर बी माइनर सी मेजर डी मेजर जी मेजर बी माइनर सी मेजर डी मेजर। और उसके बाद फिर से वापस से तो दोस्तों बीते लम्हे का ब्रेकडाउन ये है। अगर आपको और अच्छे से चीजों को समझना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको क्लासिकल के वे में सिखाऊंगा कि गिटार कैसे प्ले करते हैं। एंड आई गारंटीड यू आप 3 से 6 महीने के अंदर गिटार बहुत ही बढ़िया बजाना स्टार्ट कर दोगे। आप एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और अगले बार कुछ अलग लेकर आएंगे आपके लिए।